हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे वीडियोस आपको मैकेनिकल ब्रांच में मिल ही रहे हैं। मुकेश सर इतने सारे वीडियो दे रहे हैं, और अभी आप देखें कि गेट 2019 का जो पेपर हुआ मैकेनिकल का, सबसे पहले गेट एकेडमी वाले ही आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए, आपको PDF फाइल प्रोवाइड किए, एग्जैक्ट क्वेश्चन लगभग हम ट्राई किए कि बेस्ट फॉर्म में आपको दे सके। और हम लोग उसके लिए बहुत सारा वर्कआउट भी किए थे कि आपको बेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन कैसे मिले, जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन कैसे मिले, तो उसके लिए हम लोग अच्छा खासा वर्कआउट किए। तो हमारी पूरी की पूरी जो टीम थी अच्छे से वीडियो आपको प्रोवाइड की। आप देखेंगे वेनु सर भी वीडियो दिए, मुकेश सर तो कंटिन्यूसली वीडियो दे ही रहे थे, मैथ्स के गुरुपाल सर दे रहे थे और एप्टीट्यूड के सौरभ सर दे रहे थे। तो ओवरऑल इस साल का जो हमारा पूरा जो प्लानिंग था वो तो अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ, और इस साल बहुत सारे आपके लिए सरप्राइजेस है मैकेनिकल ब्रांच के लिए स्पेशली, क्योंकि मैं वर्कआउट भी कंटिन्यूसली करवा ही रहा था मैकेनिकल ब्रांच में कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए होता है वैसे ही मैकेनिकल के लिए होना चाहिए। तो आप ऐसा फील भी कर रहे होंगे, आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिले, आपको जो रिविजन वे में जो था कि रिविजन के लिए जो वीडियो हो सकता था वो भी प्रोवाइड किया गया डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो मेरे को लगता है कि आप इंजॉय किए होंगे 2018 जितना भी हमारा निकला है वो आप मैकेनिकल ब्रांच वाले एंजॉय किए होंगे। अब आपके लिए कुछ सरप्राइजेस ये है कि 2019 में और भी बिग प्लानिंग है कि आपका और भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे कवर करेंगे जो आपको मजा आएगा। लाइक जैसे आप जानते हो कि थर्मोडायनेमिक्स आपका बेसिक सब्जेक्ट होता है, और थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, सभी को पता है कि एक मैकेनिकल ब्रांच का सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी तक था कि थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, बट अब मैं पूरा प्लान कर लिया हूं कि इस साल आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी गुड वीडियो दिए जाएंगे, गुड आपके पास कंसेप्ट दिया जाएगा कि आप 2019 में 2018 के कंपेयर में ज्यादा एंजॉय करने वाले। और आप याद रखिएगा कुछ सरप्राइजेस मैं बोल रहा हूं तो आपको वेट करना पड़ेगा, तो और भी कुछ कुछ सरप्राइजेस मिलने वाले। तो आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूं वो आपका केयर करने वाले थर्मोडायनेमिक्स का, जैसे कि हम लोग केयर करते वैसे ही सर एग्जैक्टली आपका केयर करेंगे, आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको कनिष्ठ यादव सर से। तो हेलो सर। हेलो सर। तो कनिष्ठ यादव सर से आप मिलिए। तो कनिष्ठ यादव सर को थर्मोडायनेमिक्स का बहुत अच्छा आइडिया है, और कनिष्ठ यादव सर अभी मैं भोपाल से, मैं यहाँ से जहाँ बोल रहा हूँ मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, और भोपाल में सर की क्लासेस चल भी रही है, और सर बहुत ही अच्छे फॉर्म में इंगेज करते हैं, ऑफलाइन का इतना अच्छा फीडबैक है। उसके बाद ही मैं प्लान करता हूँ, नॉर्मली थोड़ा सा टाइम लेता हूँ कि जब भी कोई आपको इंट्रोड्यूस करे, जब भी कोई आपको कंटेंट्स प्रोवाइड करे तो आप इंजॉय करें, क्योंकि मेरे को पता है कि आप कंपेयर करेंगे कंटेंट्स को। तो इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं जब भी प्रोवाइड करूँ कोई टीचर आपको बेस्ट फॉर्म में प्रोवाइड करूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगता है। इसलिए कई बार आप बोलते भी कि हमारे लिए सर सोचिए, हमारे लिए आप इतना क्यों नहीं सोचते हो, तो आपके लिए और भी बेटर फॉर्म में सोचना चालू हो चुका है। तो कनिष्ठ यादव सर आप लोगों का बहुत केयर करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो सर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप बताइए सर कि सब स्टूडेंट लोग थर्मोडायनेमिक्स को एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो मानते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स से कई बार एक स्टूडेंट जो होता है वो डरता है कि थर्मोडायनेमिक्स में उतना कमांड नहीं कर पाता, तो क्यों स्टूडेंट लोग इतना थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सोचते हैं कि कमांड नहीं हो पाते हैं? सर थर्मोडायनेमिक्स में कुछ एक टॉपिक्स बहुत ही अच्छे हैं, जैसे मैं एंट्रोपी की बात करता हूँ, तो जनरली आपको क्या होता है जब कहीं भी थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया जाता है तो फर्स्ट लॉ तक तो बहुत अच्छे से करवाती है, सेकंड लॉ में कुछ एक चीज़ें अच्छे से करवा देंगे, जहाँ से एंट्रोपी स्टार्ट होती है तो लोग ना वहाँ से पोर्शन को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और अवेलेबल एनर्जी अनअवेलेबल एनर्जी का जो पार्ट है उसमें ना बहुत ही बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि ना आपको ना पूरा सिलेबस को पूरे ढंग से करना चाहिए, मतलब पूरे सिलेबस को ना सेम वेटेज देना चाहिए और ढंग से पढ़ते जाना चाहिए। नो डाउट गेट में जो आता है उसमें फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ और एंट्रोपी कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट जैसे एक टॉपिक होता है प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस में जब वाटर वेपर की बात करते हैं तो वाटर वेपर का क्वेश्चन अगर कभी रिलेट किया जाता है, वाटर वेपर को फर्स्ट लॉ में लाया जाता है या वाटर वेपर से यहाँ पे एंट्रोपी का क्वेश्चन किया जाता है, तो लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता है। जब भी स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात होती है या फिर वैल्यूज लेनी होती है स्टीम टेबल से, तो लोग ना वहाँ पे आपको क्वेश्चंस नहीं करवाते, लोग आपको केवल आइडियल गैस के क्वेश्चंस देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आइडियल गैस में पी वी इज इक्वल टू एमआर टी आइडियल गैस इक्वेशन लगनी होती है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाता है सॉल्व करना, वो आपको नहीं बताया जाता है। इस बार गेट 2019 के पेपर में आपने देखा होगा कि कुछ एक क्वेश्चंस नए आए, जैसे अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स में तो ठीक है जैसा आता था उस तरह का रहा है, बट HMT में इन लोगों ने कवर कर लिए दो और टॉपिक, जैसे इंटरनल हीट जनरेशन का एक क्वेश्चन दे दिया था, इसके अलावा नेचुरल कन्वेक्शन को कवर कर लिया। तो मुझे लगता है कि जो सिलेबस है उसको ना सही से कवर किया जाना चाहिए। अगर आपने कोई एक टॉपिक को छोड़ दिया है या सही से कवर नहीं किया और वहां से अगर एक क्वेश्चन अच्छा बन गया तो आप नहीं कर पाएंगे, और 2 मार्क्स तो मुझे लगता है गेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे को लगता है कि लोग इस सब्जेक्ट को इतने कनेक्टेड फॉर्म में नहीं पढ़ते होंगे, इसलिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते होंगे। जैसे एंट्रोपी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सब लोग मानते हैं कि एंट्रोपी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो मैं देखता हूँ कि सभी लोग एंट्रोपी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो एक ऐसा टॉपिक जो इतना क्लियर नहीं होता। सेकंड सर इसमें जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, क्योंकि मेरे को लगता है थर्मोडायनेमिक्स को 2 पार्ट में लोग डिवाइड करते हैं, एक तो बेसिक्स हो गया आपके पास, तो इसमें एप्लीकेशन वाला पार्ट को लोग इतना डिटेल नहीं करते कई बार, तो एप्लीकेशन वाले पार्ट का भी वेटेज उतना ही है कि सिर्फ जो
बेसिक्स वाला थर्मोडाइनिक्स वाले पार्ट है उसको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए? नहीं सर, गेट के लिए तो एप्लीकेशन वाले पार्ट का उतना वेटेज नहीं है, बट फिर भी जैसे बेसिक थर्मोडाइनिक्स की अगर बात करो तो वो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बेसिक थर्मोडाइनिक्स अगर आपका अच्छा है तो आपको HMT में हीट एंड मास ट्रांसफर में हेल्प हो जाती है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आप जब पढ़ रहे होंगे तब भी आपको हेल्प होगी, IC इंजन जब पढ़ रहे होंगे तब भी हेल्प होगी, और एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडाइनिक्स पढ़ रहे होंगे तब भी आपको हेल्प होगी। और नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि आप छोड़ दो, क्योंकि एप्लीकेशन से भी आपको 3 to 4 marks का क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर आप 4 marks छोड़ देते हैं तो गेट में 4 marks तो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। तो मेरे को लगता है कि इसका मतलब है कि एप्लीकेशन वाला पार्ट भी कवर करना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि उसका भी वेटेज होता है, 3 to 4 marks का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको आप ऐसे नहीं कर सकते कि छोड़ दें। गेट के लिए 4 marks तो बहुत मैटर करता है, 4 marks में तो आपकी रैंक बहुत इधर बहुत ज्यादा, क्योंकि मैकेनिकल में तो वैसे भी स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए रहता है। आप ये गेट और ESC के सिलेबस में थर्मोडायनेमिक्स में आप कहाँ पे डिफरेंस पाते हैं कि क्या डिफरेंस है स्पेशली गेट और ESC में? बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के सिलेबस में तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा थर्मोडायनेमिक रिलेशंस को छोड़ के, बाकी दोनों के लिए सिमिलर सा है, और आपको ESC के लिए थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होता है नो डाउट, बट गेट के लिए भी आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो बेसिक सब्जेक्ट है, सब कुछ पढ़ना होगा आपको। हाँ, एप्लीकेशंस वाले पार्ट को ESC के लिए आपको ज्यादा पढ़ना होगा, गेट के लिए थोड़ा सा कम होता है सिलेबस। हाँ, जैसे लाइक RAC वगैरह थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग होता है। हाँ, जैसे ESC में थोड़ा सा RAC का ज्यादा डिटेलिंग होता है, तो पावर प्लांट और IC में भी थोड़ा सा रहता है कि नहीं? हाँ सर, IC इंजन का, जैसे IC इंजन हो गया या ये जो पावर साइकिल्स की जो भी बात हो रही है टोटल, तो गेट के लिए थोड़ा कम होता है सिलेबस, दोनों का सिलेबस कम होता है। ESC के लिए तो बहुत सिलेबस होता है, पूरा पढ़ना होता है आपको, और क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप ESC के लिए तो नहीं छोड़ सकते और उसको बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि ESC वाले पार्ट में एप्लीकेशन बहुत डोमिनेटिंग है। yes. लेकिन गेट वाले में जो बेसिक वाला पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग है, ऐसा कंपैरिजन बेसिस अगर हम माने। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ऑनलाइन जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनको बहुत अच्छा कंटेंट दीजिएगा, आप इनको गुड गुड कंसेप्ट दीजिएगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराइएगा, मतलब मेरे स्टूडेंट लोगों को बहुत अच्छा फील होना चाहिए। तो सर हमारे टीम के मेंबर हैं, गेट अकेडमी के सर एकदम कोर मेंबर है, और सर आपको बहुत अच्छे से केयर करके आपको बहुत सारा अच्छा प्रोवाइड करेंगे। अभी तो ठीक है, मैं तो सर को जस्ट इंट्रोड्यूस करना था इसलिए मैं बात किया। अभी आप उसके बाद जैसे वीडियो देखना चालू करोगे तो आप इंजॉय करोगे, तो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स भी क्लियर होंगे। तो आप देखते जाइएगा। तो मैं बोला हूं कि 2019 में आपको जिस वे में हम कंटेंट प्रोवाइड करने का प्लान कर रहे हो, बेटर वे में आपको मिलेगा, तो आप देख सकते हो कि किस क्वालिटी से हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा वेट किया कि आपको जब कंटेंट प्रोवाइड किया जाए तब आप देखे करके, अभी तो कितना भी मैं बोलूं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप कंटेंट देखेंगे तो आप, मेरे को लगता है कि अच्छा फील करेंगे, और आप किसी से भी जब कंपेयर करेंगे तो मेरे को लगता है डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा कि एक थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट में एक टीचर कैसे डिलीवर करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सर आपका बहुत अच्छे से केयर करने वाले। ठीक है सर, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब वीडियो में, जितने लोग भी फॉलो करते हैं, उनका आप जितना बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट केयर कीजिएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल, मतलब मैंने प्लान कर रखा है। पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत टिप्स दूंगा कि एक्चुअली जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो किन चीजों का केयर करना होता है, बेसिक गलती इंसान कहाँ पे करता है, स्टूडेंट कहाँ पे करता है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। उसके बाद वन बाय वन सारे लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड होते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहना, आपको बहुत मजा आएगा, और थर्मोडायनेमिक्स आपको बहुत इजी लगने लगेगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस चीज की गारंटी है। मजा आ जाएगा जब भी आप लोग वीडियोस देखेंगे तब। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ओके, थैंक यू एवरीवन।